हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग डिवास में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ, कॉर्न आलू टिक्की। इसके लिए मैंने 400 ग्राम कॉर्न लिया है और दो आलू लिए हैं। अब हम इन कॉर्न को प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे और आलू को भी बॉईल कर लेंगे। दो सीटी लगाकर हमारा कॉर्न बॉईल हो गया है, आलू भी दोनों बॉईल हो गए हैं और मैंने ये दो ब्रेड लिए हैं बाइंडिंग के लिए। कॉर्न के ठंडा होने पर हम इसे मिक्सी में दरदरा करेंगे। ये दोनों ब्रेड को भी हम पीस लेंगे। कॉर्न और ब्रेड मैंने दोनों मिक्सी में पीस लिए हैं। अब इन तीनों को मिला करके हम कॉर्न के टिक्की बनाएंगे। अब ये आलू को मैं मैश कर लूंगी। ये मैंने आलू मैश कर लिए। अब हम इनको मिक्स करते हैं। अब हम इन ब्रेड क्रम्स को भी इसके अंदर डाल देंगे। बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, नमक आपके स्वाद अनुसार। अगर आपको टिक्की की क्वांटिटी बढ़ानी हो तो आप आलू और भी ज्यादा बॉईल करके उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और अब हम इनकी टिक्कियां बनाना चालू करेंगे। और अगर आपको लगता है कॉर्न गीला है तो आप उसमें एक ब्रेड पीस के और डाल सकते हैं। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम तेल लगा के इन टिक्कियों को बनाना चालू करेंगे। कॉर्न की टिक्की रेडी हो गई है। अब हम इनको पैन पे शैलो फ्राई करेंगे। ये मैंने पैन पे थोड़ा सा तेल डाल लिया है। अब हम इन टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अगर आप 200 ग्राम कॉर्न लेते हैं तो उसमें एक आलू या दो आलू ऐड कर सकते हैं। मैंने 400 ग्राम कॉर्न लिया है तो इसमें दो आलू ऐड किए हैं। ये कटलेट्स एक साइड से दोनों तरफ से हम इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए हमारे कॉर्न कटलेट्स कितने सुंदर बन करके रेडी हो गए हैं। हमारे कॉर्न आलू टिक्की तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।